हाय एवरीवन एंड हैप्पी यूरियो फेस्टिवल आप सभी को। एंड आज मैम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई है जो कि है द मिस्ट्री ऑफ दिल्लीज आयरन पिलर, द विशिंग पिलर जिसे हम कहते हैं दैट रिफ्यूजेस टू रस्ट। ओके, उसे विशिंग पिलर भी कहते हैं बट वो रस्ट होने का नाम ही नहीं लेता। इतने साल हो गए हैं बट ये पिलर बिल्कुल भी रस्ट नहीं हुआ है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज स्मृति, आई एम योर साइंस एजुकेटर, इसीलिए मैं आप सबके लिए इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आई हूँ। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, दिस इज माई पिक्चर एंड दिस इज माई कोड। एस एम राणा इज माई कोड। यू कैन गेट 10% ऑफ बाई यूजिंग माई कोड ऑन एनी सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड दिस इज माई यूट्यूब स्केड्यूल ऑल्सो। अगर आप नए हो और आपको नहीं पता मेरा यूट्यूब स्केड्यूल क्या है, दैट इज 11 and 7 PM डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सबको बता दूं कि आस्क अ डाउट फीचर भी है ना अकेडमी की तरफ से, जिसमें आप कितने भी डाउट्स पूछ सकते हो 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। यू हैव टू क्लिक अ फोटो ऑफ योर डाउट एंड सेंड इट एंड यू विल गेट अ वीडियो सॉल्यूशन। दिस इज अवेलेबल ओनली ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप। एंड ऑल्सो अबाउट द कॉम्बैट, हर संडे 12 बजे हमारा वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप जीतते हैं। दिस इज अ लाइव टेस्ट, तो आपको लाइव देना पड़ेगा ऑन दी ऐप। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है। 30 questions होंगे और 45 minutes दिए जाते हैं। बग्स बाउंटी इज समथिंग जो कि हम लर्नर्स को दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी इनअप्रोप्रिएट कॉन्टेंट लगता है, यू कैन रिपोर्ट दैट वीडियो एंड क्लेम योर प्राइज आफ्टर दैट। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक था कि ये आयरन पिलर रस्ट क्यों नहीं हो रहा। ये जो आयरन पिलर है बच्चा, ये बिल्कुल रस्ट नहीं होता, अभी तक ये रस्ट नहीं हुआ है। और आप पिक्चर से देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। एंड दिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो मैंने विजिट ज़रूर किया है और ये बहुत बहुत सुंदर है। ये वहीं पर है जहाँ पर आपका कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार बहुत सुंदर लगता है एंड उस टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वो। एंड साथ में उनके है एक आयरन पिलर, एक आयरन से बना हुआ पिलर, जिसके ऑटोमेटिकली हम सोचने लगते हैं कि यार आयरन से बना तो फिर ऑब्वियस सी बात है मैम ये तो रस्ट करेगा ही करेगा, हो ही नहीं सकता कि रस्ट नहीं करा, तो पक्का इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें पक्का कुछ गड़बड़ है। क्या है इसकी मिस्ट्री? अभी तक साइंटिस्ट बहुत बहुत एक्साइटेड थे, दे वर सो क्यूरियस अबाउट दिस कि आयरन पिलर रस्ट क्यों नहीं कर रहा, पक्का इसमें कुछ ऐसे मेथड यूज करा गया है जो हम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको ही पता है कि जब हम आपके करोजन की बात करते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट रस्टिंग, हम हमेशा कहते हैं कि आयरन मेटल मैम पक्का करोजन की तरफ जाता है, पक्का उसकी रस्टिंग होती है। क्योंकि हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे O2 मॉलिक्यूल्स एंड H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों मिलके आयरन का पूरा रस्ट कर देते हैं। और रस्ट का मतलब होता है Fe2O3। हम सबको पता है कि आयरन ऑक्साइड के साथ, आयरन ऑक्सीजन के साथ एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है, वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड, और उसी की वजह से पूरी ब्राउनिश कलर की रस्ट लग जाती है आयरन के ऊपर। तो अगर हम कोई सा भी आयरन मेटल थोड़ी देर के लिए भी बाहर रखते हैं ऑक्सीजन की उसमें प्रेजेंस में, वो रस्ट होना शुरू हो जाता है और आयरन हमारे काम का नहीं रहता, क्योंकि आयरन प्योर नहीं रहता, आयरन आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। पर इसमें क्या था, इसमें ऐसा क्या था कि ये रस्ट नहीं हुआ और बाकी चीज़ों के लिए तो हमें मेथड्स यूज करने पड़ते कि वो रस्ट ना हो, ये उस टाइम का बना हुआ आज तक रस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कौन सी साइंस लगाई गई थी कि इसमें रस्टिंग ही नहीं हुई? ठीक है, सो लेट्स सी। पहले तो ये आयरन पिलर, जैसे कि मैंने आप सबको बताया, ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इट वॉज ओरिजिनली नॉट हेयर, यहाँ पर नहीं बना था, ऐसा माना जाता है कि ये कहीं और बना था। इट वॉज नियर सांची, ठीक है, वहीं पर बनाया गया था 402 AD में, इतने पहले बनाया गया था ये पिलर, ठीक है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया था, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ये सब हो रहा था, और जब ये दिल्ली पे ट्रांसफर हुआ तब से अभी तक वो दिल्ली में ही है हमारा आयरन पिलर, ठीक है। तो देखते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये मिलता है। अब आई डोंट नो कि आपने कुतुब मीनार देखा है नहीं देखा, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, मैंने देखा है, इट इज़ वंडरफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर प्लेस है, उसी के साइड में आपको आयरन पिलर यहाँ पर मिलेगा। तो लेट्स सी कि ठीक है, इसकी हिस्ट्री वगैरह हमने देख ली, बट हमने ये चीज़ नोट कर ली कितना ज़्यादा
पुराना है, बहुत बहुत ओल्ड है। लेट्स सी इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है। इसकी हाइट है 7.4 meters हाई, ठीक है 7.4 meters, ओके ओके। बट इट्स जो इसका वेट है दैट इज 6511 kilograms, 6511 किलोग्राम का ये है पिलर। ऑफ कोर्स आयरन का बना है मैम, इतना भारी तो होगा ही है ना। तो ये बात थी कि इतना लंबा और इतना वेट करता है, और वो देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंपल सा आयरन पिलर है, जैसे कि कहीं पर भी बना दिया गया हो, राइट। ऐसा क्या स्पेशल है कि अभी तक हम साइंटिस्ट और सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, अभी तक इसके बारे में बात की जाती है, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें मैम, अब तो बता ही दो। चलो मैं बता ही देती हूँ आप सबको कि ऐसा क्या स्पेशल है। जब ये बनाया जा रहा था, वैसे दाद देनी पड़ेगी उस टाइम के आयरन स्मिथ्स की, उस टाइम जो जिसने कंस्ट्रक्ट किया होगा क्या सोच के कंस्ट्रक्ट किया होगा। बट द थिंग इज, हुआ क्या है यहाँ पर, ये बना आयरन का है, बट क्या आपको लगता है कम्प्लीटली प्योर आयरन का बना हुआ होगा? क्या आपको लगता है ये प्योर आयरन का बना हुआ होगा? मेरे को नहीं लगता कि ये प्योर आयरन का बना हुआ। अगर ये प्योर आयरन का होता तो अभी तक तो इसका रस्ट से लेके पूरी हालत खराब हो चुकी होती, ये ऐसे टिका हुआ नहीं होता बिना रस्ट के। सच्ची बोलूँ तो ये जितनी ओल्ड पिक्चर हो ये इतना टिका हुआ नहीं होता, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दिस। सो द थिंग इज कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मैसिव आयरन पिलर इज अ मार्वलस इंजीनियरिंग अचीवमेंट। ये बात तो है कि सारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ऐसे हो गए कि यार ऐसा क्या मिला रखा तुम लोगों ने। लेट सी तो हुआ क्या, दिस वॉज मेड एज अ स्मेल्टिंग आयरन ओर। हमेशा आयरन ओर को स्मेल्ट जरूर किया जाता है, बट इट वॉज नोन एज फॉर्ज स्मेल्टिंग। फॉर्ज स्मेल्टिंग से ये बनाया गया था, एंड ऑफकोर्स हम आयरन ओर से आयरन तो प्योर निकालते ही निकालते हैं, है ना। आयरन ओर में हम इम्प्योरिटीज नहीं रहने देते। आज की डेट में क्या होता है कि जो भी आयरन जैसे भी हमें मिलता है नेचुरल स्टेट में, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होते हैं हम हटा देते हैं। आयरन की जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी आसपास वो हम हटा देते हैं, उसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं। बट क्योंकि वो उस टाइम की बात थी, इतना पुराना टाइम था, उस टाइम इम्प्योरिटीज बिल्कुल हटा देना इतना पॉसिबल नहीं था, राइट। तो कुछ इम्प्योरिटीज उसी के अंदर रह गई। जो अभी आयरन पिलर बन रहा था, कुछ इम्प्योरिटीज उसके अंदर ही रह गई सारी इम्प्योरिटीज। एंड हुआ क्या कि जो फॉस्फोरस मिक्स हो रखा था, जो हाई अमाउंट में फॉस्फोरस था आयरन के साथ, कार्बन सल्फर मैग्नीज भी थे, ऐसे भी आपके कंपाउंड्स थे, बट जो फॉस्फोरस एलिमेंट था उसमें हाई कंपाउंड 0.25% बाय वेट, फॉस्फोरस और इम्प्योरिटीज ने कोई कंपाउंड बना लिया। फॉस्फोरस और इम्प्योरिटीज ने मिलके कोई कंपाउंड बना दिया, जिसके वजह से उस आयरन पिलर के ऊपर एक लेयर लग गई, जिसके वजह से आयरन पिलर के ऊपर एक लेयर सी लग गई, और उस लेयर के वजह से आज भी वो रस्टिंग से बचा हुआ है। जैसे कि हम सबको ही पता है कि अगर हमें आयरन को बचाना है रस्टिंग से, तो वी शुड डू गैल्वनाइजेशन, किसी और की लेयर उसके ऊपर लगा दो ताकि वो सैक्रिफाइस हो जाए बट आयरन बचा रहे। कुछ ऐसा ही हुआ आयरन पिलर के साथ कि जो इम्प्योरिटीज बच गई थी आयरन में, तो फॉस्फोरस और इम्प्योरिटीज ने मिला के एक ऐसी लेयर बना दी, एक ऐसा ऑक्साइड बना दिया जिसने खुद ब खुद आयरन को बचा लिया। ऑक्साइड तो बना, बट ऐसा ऑक्साइड बना जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उसके पूरे ऊपर लग गया। सो इट वॉज फॉस्फोरस एंड द इम्प्योरिटीज जिनने मिल के ये काम करा है आयरन पिलर के अंदर, ठीक है। सो इट इज नॉट प्योर आयरन। अगर ये प्योर आयरन होता तो ये आज ये बचा हुआ नहीं होता, ये रस्टिंग तो इसमें होके ही रहती, पक्का होके रहती। तो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ दिस आयरन पिलर जो दिल्ली में पाया जाता है, और आज तक अगर आप कभी भी इसको विजिट करो आप देखोगे इसमें कोई भी रस्ट नहीं लगी हुई, एक आयरन पिलर पर कोई भी रस्ट नहीं लगी हुई। एंड दीज आर द कॉम्पोजिशन, अगर आप जानना चाहो, फॉस्फोरस नाइट्रोजन सल्फर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर। ऑफकोर्स मेजर क्वान्टिटी में आपका आयरन ही होगा इसके अंदर। सो इट इज प्रिटी इम्प्रेसिव, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है आपको रात में। ऑल्सो यहाँ पर आपको कुछ स्क्रिप्ट दिखेंगी लिखी हुई, ठीक है। सम से कि गॉड विष्णु की तरफ के लिए भी ऐसा लिखा गया था यहाँ पर, एंड ये बहुत ही सुंदर है। साथ साथ उसमें स्क्रिप्ट भी है लिखी हुई, अगर आप थोड़ा सा क्लोज जाके देखोगे तो आपको ये जरूर दिखेगी। दैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड विद द मिस्ट्री ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो आई होप आपको काफी अच्छा लगा हो ये मिस्ट्री ऑफ द दिल्लीज आयरन पिलर। एंड करने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी ऐप के बारे में, यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम द प्ले स्टोर
एंड यू गेट टू काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक प्लस में आपको बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं पीडीएस मिलती है ऑल्सो इफ यू यूज माई कोड यू गेट 10% ऑफ आइकॉनिक में यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस एंड ऑल्सो अ पर्सनल कोच फॉर यू एंड लाइव डाउट सोल्यूशन ऑल्सो दीज आर द प्राइजेस फॉर प्लस प्लस के प्राइजेस आप देख सकते हैं 12, 15, 18, 24 मंथ्स के लिए दीज आर द प्राइजेस नो कॉस्ट ईएमआई एंड इफ यू यूज माई कोड यू विल गेट 10% ऑफ ऑल्सो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सिंस यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स दीज आर द प्राइजेस 28,000, 32,000, 35,000 accordingly, 12, 15 and 18 months ke liye and here also you can use my code. Offer is valid till 25th July, that is Sunday. Agar aap abhi lete ho, aapko kaafi benefit hoga. You get extra months and also you get extra months for the creative corner. And there's some free special class and test series for everyone. Jo bhi student yahan par hai, Unacademy ka, wo app mein jaake ye sab avail kar sakta hai and also you can use my code to unlock it. So thank you so much. I hope you really enjoyed the session. And आपको finally mystery पता चल चुकी है कि iron pillar के पीछे क्या mystery है जो scientists तब से ढूंढ रहे थे. Thank you so much. Do like the video. Do share with all your friends. ये mystery सबके साथ share करना. And subscribe the channel for all the cool updates. Thank you so much. And let's crack into the Unacademy.